परिवार नमस्कार, मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है BSTC एग्ज़ाम राजस्थान का इतिहास 2021। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी आप सभी के लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप मोस्ट 20 MCQ बताने वाला हूँ जो आपके आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे BSTC, PTET और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अपना सबसे पहला फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो है कि कुंभा के समय का प्रसिद्ध जो सारंगपुर का युद्ध हुआ है वो कब हुआ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए। तो देखिएगा कि कुंभा ने जो सारंगपुर का युद्ध किया है वो 1437 के अंदर किया है। कब किया है? 1437 के अंदर किया है। तो आप यहाँ से कम याद रखना। और फ्रेंड्स, जो कुंभा का अगर मैं शासनकाल की बात करूँ तो इनका जो शासनकाल शुरू होता है वो 1433 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। फ्रेंड्स, इनको क्या बोला जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। और जो वीर विनोद हैं, किसकी रचना है? श्यामल दास की है। किसकी है? श्यामल दास की। फ्रेंड्स, उनके अनुसार क्या बोला गया है कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग हैं, हालांकि है तो नहीं लेकिन श्यामल दास के अनुसार बोला गया है, जो 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्गों का जो निर्माण कराया वो किसने कराया? महाराणा कुंभा ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कम इतनी सी बातों को याद रखना ताकि आपके लिए अगर कुंभा के बारे में पूछा जाता है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर सारंगपुर युद्ध का पूछता है तो फिर याद रखना 1437 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना राय ने उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा था। फ्रेंड्स, देखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना कि जो पन्ना राय हैं वो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि भाई जो महाराणा सांगा की जो पत्नी थी विक्रमादित्य, है ना, सॉरी जो आपकी थी जो विक्रमादित्य महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनके जो फ्रेंड्स पुत्र थे उसके जो हैं उस टाइम में जो शाका हुआ आप सभी को पता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं यानी उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं वो कौन आते हैं? अपने उदय सिंह आते हैं। कौन आते हैं? उदय सिंह। तो फ्रेंड्स, जो बनवीर हैं, बनवीर कौन है? एक दासी पुत्र होता है। ये भी आप सभी को पता होगा कि मेवाड़ के अंदर एक दासी पुत्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? बनवीर था। फ्रेंड्स, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या तो कर ली थी लेकिन जब वो उदय सिंह की हत्या करने के लिए आया तो जो पन्ना राय हैं उसने फ्रेंड्स अपने स्वयं के पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को वहाँ से बचा के पहले तो बूंदी लेके गई थी और उसके बाद में उनको जहाँ दुर्ग में भेजा था वो फ्रेंड्स कौन सा था? आपका कुंभलगढ़ दुर्ग था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट बात हो जाती है, यानी कि बनवीर के टाइम में जब आक्रमण हुआ तो विक्रमादित्य की तो हत्या कर ली थी लेकिन उदय सिंह को फिर सुरक्षित रूप से जो पन्ना राय हैं वो कांक पे लेके आती हैं कुंभलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी यानी कि जो उदयपुर के अंदर है सहेलियों की बाड़ी उसका निर्माण किसने कराया? फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे गए हुए होंगे तो काफ़ी देखने लायक जगह है ये भी, सहेलियों की बाड़ी। तो फ्रेंड्स, ये जो सहेलियों की बाड़ी है ये किस शासक के टाइम में बनी है? तो आपके महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय हैं फ्रेंड्स, इनके टाइम में जिसका निर्माण हुआ है वो क्या है? सहेलियों की बाड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की जो माँ रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी? तो फ्रेंड्स देखिएगा यही बात वही है कि जब बात आती है 1538 है ना, 1538 के समथिंग जब आक्रमण होता है 3735 ऐसे ही कुछ है आप याद रखना 1534-35 जो फ्रेंड्स एक्चुअल मैं बता दूंगा आपको कमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स उस टाइम में क्या है कि आपके जो हैं उस टाइम में शासक कौन होते हैं? विक्रमादित्य होते हैं। इनकी जो संरक्षिका होती है इसकी माता होती है स्वयं जो जिसका नाम का है क्या है? महारानी कर्मावती हैं, रानी कर्मावती। फ्रेंड्स इनके टाइम में क्या होता है कि बहादुर शाह का आक्रमण होता है, बहादुर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप जो चित्तौड़ के अंदर दूसरा शाखा होता है, क्या होता है? चित्तौड़ के अंदर दूसरा शाखा होता है। फ्रेंड्स इस युद्ध के विरुद्ध यानी कि इस शाखे के विरुद्ध बहादुर शाह के विरुद्ध जो हैं जो अपनी कर्मावती हैं, कर्मावती किस मुगल बादशाह को राखी भेजती हैं?
तो हुमायूं को राखी भेजती है। तो यहाँ से कम फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना ताकि अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से तो जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार करवाया है, जीर्णोद्वार या निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि आपके कौन से हैं, महाराणा कुंभई हैं जिन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का या तो निर्माण करवाया है या फिर किसी किसी का जो है आप मरम्मत बोल सकते हो, मरम्मत भी करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज सिंह की रानी जो आपकी है रामसर दे ने जया बावड़ी और जो आपकी त्रिमुखी बावड़ी है इसका फ्रेंड्स निर्माण आपका कहाँ पे करवाया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, राजनगर यानी कि जो जया बावड़ी है या फिर मैं आपको बोल सकता हूँ त्रिमुखी बावड़ी। तो ये फ्रेंड्स जो दोनों बावड़ियां हैं ये कहाँ पे बनी हुई है, राजनगर के अंदर किसने बनाई है, तो राज सिंह की जो रानी है रामसर दे ने बनाई है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये भी याद रखना ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह के समय दिल्ली के कौन से सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण किया था। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा क्या आएगा, इल्तुतमिश आएगा, यानी इल्तुतमिश के टाइम में फ्रेंड्स क्या हुआ था, सॉरी जो जैत्र सिंह के टाइम में क्या हुआ था कि इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, नागदा पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स। इसी के कारण जो है नागदा से फिर वो अपनी राजधानी कहाँ पे ले जाते हैं, जैत्र सिंह चित्तौड़ लेके जाते हैं। इसीलिए तो फ्रेंड्स क्या है कि जब जैत्र सिंह आते हैं तो फिर क्या हो जाती है कि जो अपने मेवाड़ की जो राजधानी है वो क्या हो जाती है, चित्तौड़ हो जाती है, लेकिन उससे पहले क्या होती है, नागदा होती है। तो यहाँ से इतनी सी बातों को भी कम से कम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की नाथ द्वारा सिहाड़ में स्थित प्रसिद्ध श्री नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है जो आपको डी दिख रहा है राज सिंह, आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो नाथ द्वारा के अंदर जो फ्रेंड श्रीनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण अगर आपसे पूछना है तो फिर आप क्या बताओगे, राज सिंह बताओगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि वह राजपूत शासक कौन था जिसके जिसने यहाँ पे फ्रेंड्स हाँ जिसके साथ सारी राजपूत रियासतें विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध एकत्रित हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा बात जो है वो किसके शासनकाल की है, सांगा के, यानी कि सांगा ने जब फ्रेंड्स एक तो कौन सा युद्ध किया है, बाबर के विरुद्ध एक तो बयाना किया है और एक आपका कौन सा किया है, खानवा किया है। तो फ्रेंड्स जो खानवा का युद्ध है एक प्रकार से उसने पूरे जो राजस्थान के जितने भी राजपूत रियासतें थी या फिर आप बोल सकते हो कि जितने भी राजपूत रियासतें थी हिंदुस्तान के अंदर उनका नेतृत्व किसने किया था, महाराणा सांगा ने किया था। और फ्रेंड्स इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हिंदू पंत बोला जाता है या फिर हिंदूपति बोला जाता है, हिंदूपति। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये याद रखना कि भाई जो है सांगा के साथ में पूरी जो है राजपूत रियासतें एक हुई थी विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के डालने का अधिकार था। तो आपका जो राइट आंसर है सलूंबर हो जाएगा, यानी सलूंबर के फ्रेंड्स जो हैं जो ठाकुर होते थे वो भी फ्रेंड्स एक प्रकार से मेवाड़ के अंडर ही होते थे, यानी मेवाड़ रियासत के अंडर ही आते थे ये भी। लेकिन फ्रेंड्स इनके पास में ये अधिकार था कि भाई इनको स्वतंत्र रूप से क्या सिक्के डालने की अनुमति थी। तो यहाँ से जो आपका है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजकुमार अमर सिंह ने 1667 ईस्वी में मुगल दरबार में किस दरबारी की हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सलावत खां, इसका फ्रेंड्स क्या है कि जब ये मुगल दरबार में बैठे थे तो फ्रेंड्स जो है राजकुमार जो अपने अमर सिंह है इन्होंने दरबार के अंदर ही सलावत खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के शासक बनने के बाद अजीत सिंह द्वारा निर्वासित दुर्गादास ने कौन से राज्य में शरण ली थी। तो
तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आप सभी को मैंने जब मारवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को औरंगजेब के जब संगुल से बचा के लाता है, यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है कि उस टाइम में अजीत सिंह के शासक बनने से पहले ये जो है मारवाड़ एक प्रकार से मुगलों के अधीन चला जाता है, और मुगलों के अधीन चले जाने के बाद में जो है एक प्रकार से अजीत सिंह का जो निरीक्षण है वो फ्रेंड्स किसके नेतृत्व में होता है, औरंगजेब के नेतृत्व में होता है सबसे पहले तो, यानी कि इसी को देखते हुए जो दुर्गादास हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई अजीत सिंह कहीं ना कहीं औरंगजेब के संगुल में फंसता जा रहा है, तो उसको वहाँ से फिर ये ले आके स्वतंत्र रूप से क्या बना देते हैं, मारवाड़ का शासक बना देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब अजीत सिंह शासन करने के योग्य हो जाते हैं तो किसी बात से मतभेद से वो दुर्गादास को फ्रेंड्स यहाँ से निकाल देते हैं, और जो दुर्गादास हैं अपनी शरण फिर कहाँ पे ले लेते हैं, मेवाड़ के अंदर अमर सिंह के पास फ्रेंड्स ये अपनी शरण ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता मांगी थी, तो ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी का आपका ये क्वेश्चन पूछा है आप सभी के लिए। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता मांगी थी। हाँ फ्रेंड, जो आपका उत्तराधिकारी युद्ध होता है किसका, औरंगजेब और उसके भाइयों का जब उत्तराधिकारी युद्ध होता है तो फ्रेंड औरंगजेब क्या है कि मेवाड़ के महाराणा से क्या मांगता है, सहायता मांगता है। और उस टाइम में वो राजा कौन थे, तो आपके जो राज सिंह थे मेवाड़ के शासक, उनसे फ्रेंड्स ये क्या मांगता है, सहायता मांगता है। तो यहाँ से इतनी सी बातों को भी कम से कम आप याद रखना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन के हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय। फ्रेंड्स क्या है कि हुड़ा सम्मेलन हुआ कब है, तो 17 जुलाई 1737 के अंदर जो आपका सम्मेलन हुआ है वो कौन सा हुआ है, हुड़ा सम्मेलन हुआ है। फ्रेंड्स हुड़ा सम्मेलन क्यों आपका एक प्रकार से करवाया गया था, तो इसको फ्रेंड्स क्या है कि जो मराठा है, मराठों की बढ़ती शक्ति को देखते हुए क्या हुआ था कि जो है एक प्रकार से जोधपुर, जयपुर और जो मेवाड़ रियासत ने फ्रेंड्स एकत्रित होकर एक यहाँ से राजस्थान से मराठों को भगाने के लिए एक प्रकार से एक समझौता किया था, उसी का फ्रेंड्स नाम क्या था, हुड़ा सम्मेलन था। और ये कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1737 के अंदर। फ्रेंड्स ऐसे भी आपसे क्वेश्चन एक्चुअल डेट इसकी कई बार पूछी जाती है, तो याद रखना 17 जुलाई 1737 के अंदर जो हुआ है आपका कौन सा हुआ है, हुड़ा सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन की कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि समझाने लायक ज़्यादा बातें नहीं है, तो आपका सीधा सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राव बैरिसाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसके मुद्दे को लेकर मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह मांडू के सुल्तान जो मोहम्मद खिलजी है के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो मेदिनी राय हैं, आपके जो मेदिनी राय हैं वो फ्रेंड्स एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि मेदिनी राय के कारण ही क्या हुआ है कि भाई महाराजा जो संग्राम सिंह है और मोहम्मद खिलजी के मध्य क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है, और इसी के संघर्ष में फिर मोहम्मद खिलजी हार जाते हैं। यहाँ से ये भी फ्रेंड्स आप याद रखना, और सांगा की इस युद्ध में विजय भी होती है, तो यहाँ से ये भी बातें कम से कम आप याद रखना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका, यानी कलात्मक बात आए आपकी ये आ सकता है, यानी दुर्गों का सर्वाधिक निर्माण करवाने वाला, तो ये फ्रेंड्स आपका कौन सा हो जाएगा, महाराणा कुंभा हो जाएगा। इनके पास में फ्रेंड्स उपाधि कौन कौन सी थी, तो हाल गुरु थी, दान गुरु थी, अभिनव भट्टाचार्य थी, आपके ये जो भी हैं आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पता रखना, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से इनके उपाधियों से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो एक आप एक जगह पे इनको सभी को नोट कर देना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
हंसाबाई ने किसे राणा, हाँ हंसाबाई ने किस राणा, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक दिख रही है, हंसाबाई से किस राणा ने न केवल, हाँ हंसाबाई से किस राणा ने न केवल सारी से इनकार किया था बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में गद्दी भी त्याग दी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर निकल के क्या आएगा, वो आपका राव चूड़ा सूड़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स बात क्या होती है कि जब हंसाबाई के लिए फ्रेंड्स क्या आता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो सूड़ा के लिए रिश्ता आता है, लेकिन गलती से वो फ्रेंड्स किसके हाथों में चला जाता है, जो आपके लाका हैं लक्ष सिंह के हाथों में चला जाता है। तो वहाँ से फ्रेंड्स जो आपका है एक प्रकार से ऐसा उल्लेख मिलता है कि भाई हंसाबाई इस शर्त पे विवाह करती हैं कि उनका जो उत्तराधिकारी पुत्र होगा, यानी उनसे जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। हालांकि फ्रेंड्स उत्तराधिकारी कौन थे, राणा चूड़ा थे। तो उस टाइम में फिर क्या है कि चूड़ा एक तो इनसे शादी से ही इनकार कर देता है और राजगद्दी को भी त्याग देता है, और इसी के कारण फिर जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी आता है वो हंसाबाई का पुत्र मोकल आता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि राणा हमीर ने सिंगोरी के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया था, कौन से युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। फ्रेंड्स अगर राणा हमीर की बात की जाए तो इनको मेवाड़ का क्या बोला जाता है, उद्धारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उद्धारक। ये फ्रेंड्स एक प्रकार से सिसोदा वंश से संबंधित थे, यानी रावल शाखा का अंत होने के बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो आपके कौन आते हैं, राणा हमीर आते हैं। आज का फ्रेंड्स अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि हमीर को वीर राजा की उपाधि देने का प्रमाण है, यानी कि फ्रेंड्स जो हमीर हैं, हमीर को वीर राजा की उपाधि किसने दी है। तो कुंभा ने अपनी स्वयं की टीका जो कौन सी है, रसिक प्रिया के अंदर इसको क्या दिए हैं, वीर राजा की उपाधि दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपको एकलिंग महात्म्य दिख रहा है, इसका अगर आपको लेखक पूछता है या रचनाकार पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, कान्हा व्यास हो जाएगा। और आपका जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसका क्या है, महेश और अत्रि कवि है ना, महेश और अत्रि कवि। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग याद रखना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जो इस वीडियो को है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कम से कम उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स पहले भी आपको बोला है कि चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत सारी यहाँ से हेल्प की जाएगी। फ्रेंड्स अभी तो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है अभी डिक्लेयर तो नहीं हुई है, फ्रेंड्स जब भी डिक्लेयर होती है उससे पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से करवाने की फ्रेंड्स एक प्रकार से पूरी तरीके से गारंटी ले रहा हूँ। और आपके जो हैं इस बार आप खुद भी लक्ष्य बना लो कि इस बार जो BSTC के अंदर है आपको 450 प्लस जाना है, ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आपका इस बार जो लक्ष्य है इस बार पूरा होगा, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।